हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल में आज के इस वीडियो में नया क्या है। सबसे पहले एक्सेल को यहां से ओपन करता हूं, तो ये एक्सेल को ओपन कर रहा हूं, ये देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहां से हमें ब्लैंक डाटा ब्लैंक शीट पे जाना है, ये ब्लैंक शीट हमने ले ली है और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहां से थोड़ा सा मैं जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर जो है मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, लाइक 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 55 लिखा, यहाँ 67 लिखा, इस तरीके से कुछ नंबर्स मैं टाइप कर देता हूँ। और देख सकते हैं ये नंबर्स टाइप किए गए हैं। अब सवाल ये है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये दिए गए हैं किसमें, मिनट में, किसमें दिया गया है, मिनट में। तो यहाँ मैं मिनट लिख देता हूँ और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, सेकेंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो इसको कैसे सेकेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एक फंक्शन है कन्वर्ट का एक्सेल में, ये आपको फंक्शन मिल जाता है और इस फंक्शन का नाम है कन्वर्ट। तो ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपको ब्रैकेट को कर लेना है ओपन जैसे मैंने किया है। अब आपको क्या करना है, मिनट वाले हिस्से को, यानी पहला वाला ये जो डेटा है जिसका कि सेल एड्रेस A2 है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आपको लगाना है एक कॉमा, और कॉमा लगाकर क्या करना है, कॉमा लगाकर आपको ओपन करना है डबल एडेड कॉमा। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉमा लगाकर ओपन करना है डबल एडेड कॉमा, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन आपको क्या करना है उसको समझिएगा ध्यान से। मिनट मिनट में चूंकि ये दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, मिनट का कोड टाइप करना है। मिनट का कोड क्या होता है, MN, यही होता है मिनट का कोड। तो देखिए यहाँ पर MN टाइप कर दिया हमने और ये होता है मिनट का कोड, और इसको डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा। और अब इसको चूंकि कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डबल डॉट कॉमा में SEC लिखना है, इस तरीके से ये लिख देना है और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके और अब प्रेस करना है एंटर। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो 3 मिनट में 180 सेकेंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में कितने हुए, 180 सेकेंड। इसी तरीके से ये सबको ही सेकेंड में कन्वर्ट करता चलेगा। ठीक है, अब ये चूंकि मिनट में दिया गया है और ये सेकंड में दिया गया है, तो ये सेकंड में जो है कन्वर्ट कर रहा है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी आपको किसी चीज को मिनट को, किसी भी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये बेहद आसान है, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।